हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी बड़ी कलम में। होमवर्क कठिन या आसान शब्द हो सकता है, लेकिन स्टूडेंट को अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो उसको अपने स्कूल का होमवर्क समय पर पूरा करना होगा। समय पर होमवर्क को पूरा करना एक सफल कॉलेज स्टूडेंट के लक्षण में से एक है। यह सब अब यह आप पर निर्भर है कि आप अपने होमवर्क को कितनी तेजी से पूरा करते हैं, उस होमवर्क को कितना जल्दी कम्प्लीट करते हैं, यह सब आप पर ही निर्भर करता है। आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कई बच्चे सिर्फ होमवर्क के कारण पढ़ाई करना पसंद नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है कि आप उन स्टूडेंट में से हो कि आप अपना होमवर्क टाइम पर पूरा कंप्लीट करना चाहते हैं और जो आपका काम है बाकी का उसे भी आप कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आप अपनी पढ़ाई को, अपने होमवर्क को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपके पास पढ़ाई के लिए एक या दो घंटे होते हैं, लेकिन आप चाहते हो सारा सब्जेक्ट में एक या दो घंटे में कंप्लीट कर लूं, तो हो सके इस वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो आपकी लाइफ चेंजिंग वाली हो सकती है। क्योंकि आज मैं आपको अपने होमवर्क को टाइम पर कंप्लीट करने का फॉर्मूला बताने वाला हूँ। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड क्वेश्चन, बैंक से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हमने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे रखा है, जाइए और उसको ज्वाइन करिए। नंबर वन, एक लिस्ट तैयार करो। सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी अपने होमवर्क को टाइम पर कंप्लीट करने के लिए। जब भी आप अपना होमवर्क करने जाते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में चलता है कि कौन सा सब्जेक्ट पहले पढूं और कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढूं। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठो और आपको लगता है कि मुझे इस होमवर्क को कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी, तो आपको सबसे पहले एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। उस लिस्ट में जो भी आपके सब्जेक्ट है उसको पहले आपको लिखना पड़ेगा कि मेरे पास इतने सब्जेक्ट है और मुझे इस सब्जेक्ट को इतनी टाइम में कंप्लीट करना है। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कितने टाइम के लिए पढ़ना है। अगर आपको कोई भी विषय पसंद हो तो सबसे पहले आपको उसी टॉपिक को कंप्लीट करना पड़ेगा जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। जो भी आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक है सबसे पहले आपको उसी को ही कंप्लीट करना होगा। उसके बाद जो भी आपके पास टॉपिक बचते हैं, जो भी सब्जेक्ट होते हैं, उसको आपको बाद में कंप्लीट करना होगा। लेकिन जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको एक लिस्ट बनानी है कि कौन सा सब्जेक्ट मेरे को पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। उससे आपका ध्यान भी नहीं भटकेगा और आप परेशान भी नहीं होगे कि मुझे कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है। जब भी पढ़ाई करने बैठो अपना होमवर्क को पूरा करना, तो सबसे पहले आपको एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। एक टाइम टेबल बना लो, एक लिस्ट बना लो कि मुझे इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, उसके बाद आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। नंबर टू, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहे। लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसी बहुत ऐसी चीजें हैं, जब स्टूडेंट पढ़ने बैठता है तो वो सारी चीजें इन चीजों को अपने पास रखता है और उसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है। ऐसी चीजों को आपको अवॉइड कर देना चाहिए। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको इन चीजों को अपने आप से दूर रख देना है, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा दोस्तों। अगर आप जब अपना होमवर्क करने बैठोगे, आप अपना फोन चेक करोगे, जो भी नोटिफिकेशन आया उस पे आप पूरा फोकस करोगे, किसने मैसेज किया, क्या चीज आ गई, तो आपका मन भटकेगा और आप अपना होमवर्क टाइम पे पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हो कि आप अपना होमवर्क टाइम पे कंप्लीट करो, तो आपको एक या दो घंटे की बात होती है अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए, तो आपको इन चीजों को दूर रखना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तब मोबाइल अपने पास रख के जब आप पढ़ाई करने बैठो, कोई ना कोई तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, उसे आप बार बार चेक करोगे, सिर्फ चेक करने में ही आपका दो या तीन घंटे ही निकल जाएगी और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर नहीं रहेगा। फिर आप बोलोगे जब हम पढ़ाई करने बैठे थे हमारा होमवर्क तो पूरा हुआ ही नहीं। आपका होमवर्क इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉनिक चीजें थी, मोबाइल था, उसको आपने टाइम दिया, जो भी नोटिफिकेशन आई उसको आपने देखा, इसलिए उसमें आपका टाइम निकल गया। हो सके इन चीजों को आपको दूर रखना है, जो मैंने अभी आपको बताया, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट जैसी चीजें होती है ना, जब भी आप पढ़ाई करने बैठो इन चीजों को आपको दूर रखना है। अपनी टेबल पे ये चीजें आपको दिखनी नहीं चाहिए जब भी आप अपना होमवर्क करने बैठो, तब इन चीजों को आपको दूर रखना है। थर्ड, दूसरों से मदद लो। अक्सर स्टूडेंट को होमवर्क करते समय बहुत ऐसी परेशानियां आती है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, और इसी परेशानी से स्टूडेंट अपने होमवर्क को अच्छे से नहीं कर पाते और एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पाते। अगर आप एक स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई करने बैठते हो लेकिन फिर भी आपको कोई भी सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, तो आप अपने पेरेंट्स की भी हेल्प ले सकते हो, और जो ऐसा व्यक्ति हो जो आपका होमवर्क कंप्लीट करा सके, ऐसे व्यक्ति की आपको हेल्प ले लेनी चाहिए, जिससे कि कोई भी आपका डाउट हो तो आप उनसे पूछ सकते हो कि इस चीज में मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे बता सकते हो। इस तरीके से आप हेल्प ले सकते हो अदर लोगों की, अपने पेरेंट्स से ले सकते हो, भाई बहन से ले सकते हो, कोई ऐसा टीचर जो आपकी हेल्प कर सके आपके होमवर्क को कंप्लीट कराने में। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा भी नहीं और आपका पूरा फोकस पढ़ाई पर भी रहेगा और आप बिना किसी परेशानी के अपने होमवर्क को कम टाइम में कंप्लीट कर सकते हो। ये चीज थी दोस्तों जो मैंने भी आपको इस वीडियो में बताई है। पहला है, एक लिस्ट तैयार करो। जब भी आप पढ़ने बैठो एक लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है और कौन सा सब्जेक्ट बाद में पढ़ना है। उसके बाद जब भी आप पढ़ाई करने बैठोगे तो आप
आपको परेशानी नहीं होगी कि मुझे कौन सा पहले सब्जेक्ट कंप्लीट करना है, एक लिस्ट तैयार कर लो। नंबर टू, ध्यान भटकाने वाली चीजों से दूर रहो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, टैबलेट, मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर जैसी चीजों को आपको दूर रखना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, एकांत में जाके आपको अपनी स्टडी को कंप्लीट करना है। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो, अपने होमवर्क को कंप्लीट करना है, इन चीजों को आपको दूर रखना है। थर्ड, दूसरों से मदद लो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको दूसरों की भी हेल्प ले लेनी चाहिए, जो मैंने भी आपको बताया। पापा मम्मी की ले सकते हो, अपने भाई की ले सकते हो, टीचर की ले सकते हो। जब भी आप पढ़ाई करने बैठो तो आपको कोई भी परेशानी ना आए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों, आपको किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको पढ़ाई से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जाके उसको ज्वाइन कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल फ्री है। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।